सुजालपुर तहसील में लगने वाले नरोला गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया। इस संबंध में सारंगपुर फूलमाली समाज के युवाओं ने सारंगपुर बस स्टैंड से लेकर एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन किया और एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों की मांग है कि हत्या के बचे हुए अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक न्यायालय में निर्णय कर सभी आरोपियों को फांसी दी जाए। सकल फूलमाली समाज अध्यक्ष ओम पुष्पद ने बताया कि दुष्कर्म एवं हत्या के बाकी बचे आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। माली समाज की एक नाबालिग बेटी जो सुजालपुर तहसील के ग्राम नरोला में रहती थी, उसके साथ मुस्लिम समाज के कुछ युवाओं द्वारा सामूहिक बलात्कार कर हत्या करके तालाब में उसकी लाश को फेंक दिया गया था। उन हत्यारों को गिरफ्तार करने तथा फांसी की सजा दिलाए जाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। अगर उनको फांसी नहीं होती और जो बचे हुए हत्यारे हैं वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो समाज व हिंदू समाज द्वारा उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बचे हैं आरोपी उनको गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक न्यायालय में निर्णय करते हुए तुरंत हत्यारों को फांसी दी जाए, ये हमारी मांगे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। राजगढ़ से मृदुभाषी के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।